अदर हेडलाइन पर कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी है। तेज प्रताप के आवास पर जमकर हुई मारपीट, डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। अब खबरें विस्तार से। कैबिनेट ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी दी है, जो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र में रहने वालों के मुद्दों का समाधान करते हुए भविष्य में स्थायी खनन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देंगे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2019 नीति में खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव है, ताकि निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्त पोषण और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज परिसंपत्तियों के अधिग्रहण को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लेगी, जिसे 2008 में घोषित किया गया था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन अध्यादेश 2019 के मसौदों को मंजूरी दे दी है। तेज प्रताप के आवास पर जमकर हुई मारपीट, डीजे बजाने को लेकर हुआ था विवाद। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के आवास पर गुरुवार को रात जमकर मारपीट हुई है। विधायक के सरकारी आवास पर तेज प्रताप के सुरक्षा कर्मियों और समर्थन ने जमकर हंगामा मचाया। बताया जा रहा है कि डीजे को लेकर पहले विवाद हुआ और फिर बाद मारपीट तक पहुंच गई थी। तेज प्रताप यादव के बारातियों की जमकर धुनाई कर दी। काफी देर तक तेज प्रताप के बॉडीगार्ड और बारातियों के बीच नाक-घुसे चलते रहे। मारपीट की खबर के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शांत कराया गया। कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी बंद है, सर्च ऑपरेशन जारी है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर मिली है। खबर है कि कुपवाड़ा जिले में हंदवाड़ा इलाके में सेना ने कई आतंकियों को अपने निशाने पर ले लिया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है, दोनों पक्षों से गोलीबारी हो रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।